सच धज के पूरा फॉर्मल होके आज हम बात करें उस भयानक चीज की जिसे हम कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स। प्यार दिखाओ, लाल बटन को दबाओ, बेल को करो क्लिक, बट डोंट बी अ तो गाइस मानो या ना मानो मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए हैं। अब मेरी शक्ल पे मत जाना, आई एम गोइंग टू बी 21 दिस ईयर। पॉन्ड्स इज द सीक्रेट टू माई एज। एक सेकंड, बूस्ट होता है शायद। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एनीवे, सो मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए पर 12th के दिए। 10th के टाइम मेरे टाइम पे ऑप्शनल था। सो जो 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं, मेरा पूरा तरस है तुम्हारे साथ यार, बट हो जाएगा। क्या है ये एग्जाम्स यार, तुम्हारा करियर बनाएंगे, तुम्हें बहुत पैसे आएंगे, आई डोंट नो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं बोलता हूँ चाहे तुम 30% लाओ, चाहे तुम पूरे 100% लाओ, उसके बाद जो होता है, जो तुम्हें कॉलेज मिले, जो तुम्हें जॉब मिले, इट्स टोटली अप टू यू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लाइफ बोल रही है। देर आर पीपल हु फेल्ड इन लाइफ हु आर मोर सक्सेसफुल देन एनीवन एल्स ऑन दिस प्लानट, एंड देन देर आर पीपल जो हर जगह टॉप किए, सब कुछ बढ़िया हुआ, बट आज भी कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने लाइफ में। आई एम नॉट पुटिंग दैम डाउन, बट जस्ट सेइंग सबके अंदर उतनी ही कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पोटेंशियल है। नाउ ये है मेरी फाइल फोल्डर जो भी, जिसमें मेरी सर्टिफिकेट्स हैं और किसी आखिरी पेज पे मेरी 12th की मार्कशीट है। अब मेरा बेस्ट ऑफ 4 था भाई, 80%। कुछ ज़्यादा खास नहीं है बोलने को। मेरा ECA लग के मेरा 15% और लग जाता, कोई डिबेट टीम ज्वाइन करता और लग जाता, तो 95 तक का कॉलेज मुझे मिल जाता। बट ये फाइल, दिस फाइल वॉज वॉट वुड गेट मी इन टू ऑल ऑफ देम। इस फाइल को मैंने शायद 3 या 4 बार निकाला है अपनी लाइफ में। 2 बार तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खुद देखना था। और उनमें से एक बार मान लो बिकॉज मुझे अभी वीडियो के लिए तुम्हें दिखाना। दीज पेपर्स डोंट डिफाइन मी। अब इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ो मत, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हारा ड्रीम है वो, यू डू नीड द मार्क्स। पर कोई तुम्हें बोले कि बिकॉज तुम्हारे मार्क्स नहीं है तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, उससे पूछना वो कितने लाया था और उसने क्या उखाड़ा है। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ओवर हियर। मेरे पास 80% था, बोल के शायद 95 हो जाता। मैं कुछ अलग नहीं करता, जो मैं आज कर रहा हूँ शायद वही कर रहा होता। शायद बस डिफरेंस ये होता, एक ज़बरदस्ती का कॉलेज जा रहा होता जिसमें मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता, मेरी कोई लाइफ नहीं होती, एंड शायद ये भी नहीं हो रहा होता। तो मेरा लाइफ थोड़ा सा प्लान्ड था। नाउ एक सिंपल मैसेज दैट यू गाइस नीड टू टेक इज, बोर्ड एग्जाम्स यू बीन प्रिपेयरिंग सिंस मे बी 8th grade। तुम्हें तब से थोड़े से एग्जाम्स टफर हो गए थे। बोर्ड एग्जाम्स मैं शायद इस PS4 पे कसम खा के बोल लूँ, इन माई ओपिनियन योर स्कूल एग्जाम्स आर टफर देन योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर द मोस्ट पार्ट। आई नो द प्रेशर इज अलॉट, पर तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें प्रिपेयर किया है, दे प्रिपेयर यू वेल। तो जाओ अपना पेपर लिखो, जितना लिख सकते हो, जैसा लिख सकते हो, दिल से लिखो, दिमाग से लिखो, गिव इट ऑल यू हैव। तुम्हें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। शर्मा जी के बेटे को हम बाद में देख लेंगे। ऑल्सो अगर कोई शर्मा जी का बेटा है तो कॉमेंट में लिख दो यार, कौन हो तुम। एनी वे, तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट, गिव इट ऑल यू हैव, एंड फिर डरो मत यार। अगर मानते हो उसमें तो वो है, मानते हो खुद में तो तुम तो हो ही, एंड तुम्हारी फैमिली है। कुछ स्टूपिड मत करना अगर तुम्हारे मार्क्स ना आए। लाइफ बहुत लंबी है यार, तुमने 3-3 घंटे दिए हैं बस एक हफ्ते के लिए, दैट डज नॉट डिफाइन योर लाइफ। बहुत लाइफ पड़ी है, चिल मारो, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, टेक इट ईजी, एंड आफ्टर योर एग्ज़ाम्स आर ओवर तो मेरी बाकी वीडियोज़ देख लेना, थोड़ा चिल सीन मिलेगा जब स्ट्रेस में हो। एंड भाई रिजल्ट जैसा भी आए, जस्ट नो योर फैमिली लव्स यू, जस्ट नो योर फ्रेंड्स लव यू, एंड तुम्हारा लाइफ का एंड नहीं है। देर आर 1000 एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु वर फेलियर्स, जो आज देश चला रहे हैं, जो आज बड़ी सी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। तुम में भी उतना ही टैलेंट है, तुम में भी उतना ही पोटेंशियल है। डोंट गिव अप, गिव इट योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।